अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। एक मिनट माता नाम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं आप, क्या कुछ समस्या को लेकर पहुंचे हैं और क्या कलेक्टर साहब से चर्चा हुई आपकी, कहां से आए हैं आप? बोलो। शंकर नगर से। हाँ, क्या मामला था? शंकर नगर से आया, मेरे बेटा की रिपोर्ट कहाँ भी नहीं लिखी गई, जहाँ जाऊँ वहीं मेरे को भगा दे, वो नहीं रिपोर्ट लिखता है, और मेरे को वो रिपोर्ट में भी सब झूठा झूठा दिया, और मेरा बेटा को वो सब मार दिया। उसका बाप लेना आया मेरे को घर पे, पहले फ़ोन करा उसका बाप ने, तो मैंने की कि मैं कि उसके बेरा ने फ़ोन करा कि तुम आओ यहाँ, तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या हमारा झगड़ा हो गया, तो मैंने कहा कि मैं आऊँ कहीं, तो जो वो तो आप चुप रही गया, तुम मैं एक घंटा में हैंडल कर लूँगा। फिर थोड़ी सी देर बाद में उसका बाप आ गया, तो उसका बाप ने क्या बयान जी तुम चलो, जो तुम्हारा लड़का मेरी लड़की से क्या मार कूट कर ही रहा है, तो मैंने क्योंकि ठीक है मैं चलूँ। तो वहाँ मैं गई तो उसकी माँ सोफे पे बैठी थी और वह खून पूछती थी और चूड़ी बिनती थी, और पूरा तीन कमरे में खून ही खून था। और मैंने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो उसने क्या कि उस कमरे में पड़ा, तो वो दौड़ी ने वहाँ गई, तो मैंने उसके हिलाया चलाया बेटा क्या हो गया क्या, वो नहीं बोला मेरे से, तो वो बोली नहीं क्योंकि इसके क्या हो गया। कहाँ रहता था आपका बालक? शिकरी धाम में। अच्छा, वहाँ कितने समय से रहता था? 20 दिन हुआ सर। क्या करता था आपका बालक? मेरा बालक तो इसमें में था, मिलिट्री में था। मिलिट्री में था। हाँ। अच्छा, कब हुई थी शादी उसकी? उसके 4 साल हुआ। तो उसके शादी हुई थी, उसके बाद यहाँ पे कितने समय से था पत्नी के साथ में? वो यहाँ नहीं रहती थी, उसके पियर रहती थी, वो आता तो वो गाड़ी में होटल होटल घूमती, वो कहता चल घर पे, तेरा माँ बाप का नीरू गंदी कालू नहीं है। अच्छा, और मेरे समाज की भी नहीं है। क्या तलाक अलाक भी हुआ था क्या उनका? तलाक ये होया था क्या? हाँ, तलाक हो गया था। उसके बाद फिर साथ में रहने लग गए थे? फिर खाली वो साथ में बाहर बाहर रहते थे, घर पे नहीं आते थे, वो बाहर होटल में रहती थी, वो 5,000 की होटल में रहती थी, गाड़ी में घूमती थी। आज यहाँ पे पहुंचे थे कलेक्टर साहब पास, क्या बात बोला, क्या बोला आपने उनको? कलेक्टर साहब को क्या बोला आपने आज? मैंने यही बोला, बस मैं यही लेके आई कि मेरे को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ चाहिए मेरे को, बस कुछ भी नहीं चाहिए, बेटा तो आएगा नहीं, वो तो गया है। क्या नाम है आपका? ललिता गौड़। आपके बेटे का? आपके बेटे का नाम क्या था? रितेश गौड़। कहाँ रहते हैं आप लोग? शंकर नगर में। ठीक है।